इस वक्त हम मानसिक गंगा पर मौजूद हैं। यह अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है, केवल आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मानसिक गंगा सरोवर सुकून देता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद में जो ये जल धारा है आप देख सकते हैं, ये जल धाराओं के नीचे जैसे ही स्नान किया जाता है, वैसे ही जो यात्रा की थकान है वो पूरी तरह से मिट जाती है। मानसी गंगा पर यहाँ पर पूजा अर्चना इस तरह से की जाती है, आप देख सकते हैं। यह मंदिर है मानसी गंगा का, राधा कृष्ण की एक से एक प्रतिमा। प्रसादी और सारे मानसी गंगा में अंदर पुजारी जी ने प्रसाद मांगने पर पहले दक्षिणा चढ़ाने के लिए कहा गया, हमने जब उसके बाद ही डाल दी, उसके बाद ही प्रसाद देने के बाद, मतलब दान पात्र में यदि पैसा डाला जाए तो भी वह स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हें स्वयं को ये भेंट दें तभी प्रसाद वितरित किया जाता है। यह विडंबना हमारे धार्मिक क्षेत्रों की बनी हुई है, लेकिन कुछ भी कहें, यहाँ एक सुकून मिलता है पूरी यात्रा करने के बाद में, स्नान करने के बाद, और पैरों पर जैसे ही थोड़ा सा जल आता है वैसे ही आपकी थकान पूरी दूर हो जाती है। ये मानसी गंगा का